हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा नरम और एकदम डिलीशियस दही बड़े की रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे गंगवाल दही वड़ा पैकेट से। आप इस पैकेट से बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी दही वड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले लेंगे गंगवाल दही वड़े का ये पैकेट। ये 500 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस है वो 155 रुपए है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। पैकेट को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं पूरे पैकेट का वड़ा नहीं बना रही हूँ, आधे पैकेट का वड़ा बनाकर हम यहाँ तैयार करेंगे। ये आधा इंच घिसा हुआ अदरक भी इस मिक्सर में ऐड कर देंगे। 4 हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लिया, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। 360 ml पानी लेंगे और वड़ों का जो मिक्सर है वो बनाकर तैयार करेंगे। पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और वड़ों का मिक्सर बनाकर तैयार कर लेंगे। वड़ों का गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे 10 मिनट के लिए एक तरफ रखेंगे सेट होने के लिए। दूसरी तरफ हम वड़ों की मीठी दही भी तैयार करेंगे। ये 200 ग्राम दही है। इस दही में 4 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर देंगे और इसे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हल्का सा इसे मिक्स कर देंगे। दही अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, वड़ों का पेस्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। बनाने से पहले इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। दूसरी तरफ तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। वड़े फ्राई करते समय गैस की फ्लेम मीडियम रखें। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते जाएं और नींबू के आकार के वड़ों को हम बनाकर फ्राई कर लेंगे। वड़ों को तेल में ऐड करके इस तरह से एक चम्मच से चला दें, जिससे कि ये नीचे लगने ना पाए। वड़ों को मीडियम फ्लेम पर यहाँ तब तक फ्राई कर लें जब तक इनका कलर सुनहरा भूरा रंग का ना हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ी देर के बाद ये देखिए वड़ों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसे सुनहरा भूरा होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वड़े सुनहरे भूरे रंग के हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा हम इसे यहाँ नहीं फ्राई करेंगे। वड़ों को मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से सारे वड़ों को फ्राई कर लेंगे। सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक वड़ा तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए रुई जैसा सॉफ्ट बनकर तैयार है। दूसरी तरफ 1 लीटर ठंडा पानी लेंगे। इस ठंडे पानी में सारे वड़े डाल देंगे। वड़ों को पानी में डालकर इस तरह से थोड़ा सा इसे चम्मच से दबा दें, जिससे कि ये पानी में आसानी से डूब जाएं। और इसे हम यहाँ पर 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि वड़े और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ दही को हम फ्रीज से निकालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर को। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा और चिकना दही बनकर तैयार है। ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। ठंडा और टेस्टी दही वड़ों के लिए तैयार है। 20 मिनट हो चुके, पानी में भीग कर वड़े काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। पानी को इस तरह से निचोड़ कर वड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे वड़ों का पानी निचोड़कर हल्का हल्का इस तरह से निकाल देंगे। एक प्लेट लेंगे, इस प्लेट में हम वड़ों को सर्व कर लेंगे। वड़ों के ऊपर अच्छे से ठंडा और मीठा दही डाल देंगे। यहाँ पर हम दही बड़े बना रहे हैं तो दही को अच्छे से वड़ों के ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर से हम ऐड करेंगे टेस्टी हरी चटनी। हरी चटनी को सारे वड़ों के ऊपर थोड़ी सी ऐड कर देंगे और इसके ऊपर से ऐड करेंगे खट्टी मीठी खजूर इमली की टेस्टी चटनी। इसका वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक और जीरे का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। दही वड़ों को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी बूंदी ऊपर से ऐड कर देंगे और थोड़े से अनार के दाने। बहुत ही ज़्यादा चटपटे और टेस्टी दही वड़ा खाने के लिए तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा नरम और एकदम डिलीशियस ये दही वड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसे बनाएं, बहुत ही आसानी से झटपट इस पैकेट से बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।